कान्हा की नगरी वृंदावन में शीतल छाया स्थित गिरधर आश्रम में कुछ दिनों पूर्व स्टूडेंट वीजा पर आए दो विदेशियों के कोरोना संक्रमित निकलने का क्रम जारी है। पिछले 145 दिन में 8 विदेशी मरीज मिलने से नगरवासियों की धड़कनें बढ़ गईं। वहीं नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा गिरधर आश्रम में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तैयार कर उनके कोविड सैंपल लिए गए। वहीं इस्कॉन के पीआरओ रवि लोचन के अनुसार 30 इस्कॉन भक्तों के भी कोरोना सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। कोविड कंट्रोल प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि संक्रमित पाए गए मरीजों को आश्रम में ही उनके कमरों में आइसोलेट कर दवाइयों की किट प्रदान की है। इसके साथ ही उन्हें जरूरी सावधानी बरतने की जानकारी भी दी गई है। इधर संक्रमित मरीज मिलने पर नगर निगम द्वारा पूरे आश्रम को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया। देखिए, हमारे जनपद में इस हफ्ते में लगातार केस मिल रहे हैं। जहाँ पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहाँ पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आए थे फॉरनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। और ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, और इनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया है। उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। देखिए, जो एरिया में जहाँ केसेज मिले हैं, उस एरिया को अच्छी तरह से हमारे द्वारा हॉटस्पॉट बना कंटेनमेंट बना दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और भी स्क्रीनिंग की जा रही है उसके आसपास क्षेत्रों में, चूँकि वो जो लोग हैं उनका आसपास आना जाना रहता था कई मंदिरों में, तो वहाँ भी हमारे द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग कराई गई है। देखिए, चूँकि उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हम जब वहाँ बिफोर कमिंग टू इंडिया वहाँ पर RT-PCR टेस्ट हुआ तो वहाँ वो नेगेटिव थे, और उनका कहना है कि वो यहाँ आके उन्होंने इन्फेक्शन गेन किया है, लेकिन हम इसकी लगातार जानकारी कर रहे हैं, संभवतः कहाँ से इन्होंने गेन किया होगा।